हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जो अभी अभी मेरे चैनल में जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स का भी मैं स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, आप जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूर कुछ भी रिस्पॉन्स आप अपना दिखाइएगा और कॉमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी क्रोचेट वर्क कैसा लगता है जो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो आज मैं आपको ये तोरण पट्टी बनाना बताऊंगी। तो ये मल्टीपर्पज आप इसका यूज कर सकते हो, तोरण पट्टी भी बना सकते हो, स्वेटर बना सकते हो या ब्लैंकेट बना सकते हो, ये स्टॉल बना सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, मल्टी इसका आप इसका यूज कर सकते हो। तो आज मैं आपको यही पैटर्न बताऊंगी और ये मैं इंच यानी कि इंच की सहायता से, टेप की सहायता से मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना सेंटीमीटर है या कितना इंच का है, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से आपको दिखा दूंगी। तो ये जो तोरण पट्टी मैं बनाई हूँ ये थोड़ा सा बड़ा साइज का गेट का है। तो इसमें मैं 3 झालर बनाऊंगी यानी 3 साइज में डिवाइड करके बनाऊंगी, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा साइज का है। और आपका जो गेट के हिसाब से है वो आप उसके हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 47 इंच आया और पीछे मैं 120 आपका सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो ये आपका गेट का साइज है। आपका गेट का साइज अगर छोटा है तो उसके हिसाब से फ्लावर को आप कर लीजिएगा नाप के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसके हिसाब से देखिए इसमें आपका टोटल 12 फ्लावर लगा है क्योंकि मैं 4-4 में डिवाइड करूँगी इसे और मैं 3 झालर बनाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4-4 का जो ये पार्ट है वो मैं करूँगी और 3 झालर बनाऊँगी। अगर आपको 2 झालर बनाना है तो आप यहाँ पे 8 फ्लावर बनाइएगा, ठीक है। तो ये आपके छोटे साइज के गेट में आराम से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं 3 कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ और सारा मेरा 4 प्लाई की ऊन है और वर्तमान का है, ठीक है। मैं ज़्यादातर वर्तमान की ऊन का यूज करती हूँ क्योंकि इसमें वॉबलिंग वगैरह नहीं आता है। तो मैं सबसे पहले देखिए ये दोनों को उनको साइड कर दूंगी और यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए नीडल्स है, तो ये जो नीडल्स है ये 4 नंबर का है और 2.5 mm का है जो कि अभी देखिए नहीं दिख रहा है, मैं बता दे रही हूँ आपको। और ये ज़्यादा मैं यूज करती हूँ तो इसके चलते वो भी जो आपका दिखना चाहिए वो भी नहीं दिख पा रहा है। और इस तरह से एक सीजर ले लीजिएगा, छोटा बड़ा जो भी अवेलेबल हो आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये सब टोटल लेके बैठी हूँ और इसी की सहायता से मैं टोटल आपको बनाना बताऊँगी कि कैसे आपको उस फ्लावर को बनाना है। तो पहले मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊँगी, फिर उसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले मैं ये दोनों को साइड करके रख लेती हूँ क्योंकि रेड कलर का उनसे पहले मैं बनाऊँगी, तो दोनों को साइड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं रेड कलर का उनका यूज करूँगी, ठीक है। और जो विगनर है उन सब के लिए भी ये हेल्पफुल है, फुल होगा क्योंकि मैं बहुत ही स्लो में बता रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मैम आप बहुत फास्ट करते हो, तो देखिए फ्रेंड अगर मैं स्लो पूरा स्लो करूँगी तो ये 3-4 घंटा से भी ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं मुझे बीच बीच में कहीं कहीं फास्ट करना पड़ता है और कहीं होता है जहाँ पर आपको समझना है वहाँ पर मैं स्लो कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले 4 चेन बनाऊँगी, सबसे पहले 4 चेन बनाना है, सॉरी 5 चेन बनाना है। और जो सबसे पहला वाला चेन है वहीं पे मैं नीडल्स को डालूंगी और स्लिप स्टिच करते हुए एक रिंग तैयार करूंगी। ये देखिए छोटा सा रिंग जो तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको जब भी शुरू करोगे तो आपको 3 चेन लेना होता है, तो मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी। 3 चेन बनाने के बाद अब मैं इस लूप के अंदर से 2 टाइम यानी 2 बार मैं डबल क्रोशे बनाऊँगी, ठीक है। 2 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे चेन का स्पेस देना है तो मैं यहाँ पे चेन का स्पेस लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है और फिर से मैं अब यहाँ पे मैं दूसरे टाइम में देखिए 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी क्योंकि फर्स्ट में मैं पहले चेन ली थी। तो यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे निकाल ली, फिर मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस लूँगी और फिर 3 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है। 3 बार आपको यहाँ से डबल क्रोशे निकाल लेना है और फिर बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है।
और इसी तरह से ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो मैं इस तरह से देखिए 3 टाइम रिपीट करूँगी, यानी 4 टाइम फर्स्ट को मिला के 4 टाइम रिपीट करना है इसी तरह से। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मैं निकाल के फिर से कर रही हूँ उसे। और एंड में फिर से 2 चेन लेना है उसको ज्वाइंट करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट रो का जो रो है उसको ज्वाइंट करना होता है, तब ये राउंड जाता है। अब यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे बीच बीच का मैं गैप करिए, तो यहाँ पे जो मैं 2 चेन का स्पेस ली थी वहाँ तक आपको स्लिप स्टिच करते हुए आना है सेकेंड रो के लिए। ये देखिए जो ऊपर में चेन है ना, मैं उसके अंदर से नीडल्स को ला रही हूँ, फंदे को निकाल रही हूँ। अब फिर देखिए मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी फर्स्ट में सेकेंड रो के लिए। अब यहाँ पे मैं 5 टाइम यानी चेन को मिला के 6 होगा, वैसे आपको 5 टाइम मैं इस फर्स्ट वाले लूप से डबल क्रोशे को निकालूंगी, यानी 5 बार आपको इस लूप के अंदर से डबल क्रोशे को निकालना है। तो यहाँ पे मैं 5 बार यानी कि 5 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी। और अभी देखिए ट्रेन इधर से जा रही है, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। ये देखिए इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, चेन को काउंट करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और अगर चेन को नहीं काउंट करोगे तो 5 कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं देखिए फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और दूसरे वाले लूप में चले जा रही हूँ। जो मैं 3 डबल क्रोशे बना रही थी उसके बीच में जो 2 चेन का स्पेस था वहीं से आपको ये डबल क्रोशे को निकालना है। अब इस देखिए सेकेंड वाले जो लूप है वहाँ से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, ठीक है। फर्स्ट में अगर चेन को काउंट करोगे तो वो 6 कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से 6 टाइम यानी 6 बार डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर से यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और इसी तरह से ये सेकेंड रो को कंप्लीट करना है। जो रेगुलर हमेशा क्रोचेट वर्क करते हैं उनके लिए थोड़ा ही हिंट काफ़ी है, लेकिन जो नए नए सीख रहे हैं मेरे वीडियो को देख के, तो मैं उनके लिए डिटेल बनाती हूँ कि उनको ज़्यादा समझ में आए और वो लोग समझ के आराम से बना सकें, ठीक है। जो रेगुलर बनाते हैं उनके लिए बोरिंग होता है कि वो सोचते होंगे बहुत स्लो में बता रही है, लेकिन कभी आप ये सोचिएगा जब आपको नहीं आता होगा तो आप इसी तरह से स्लो स्लो में ही देखना पसंद करती होंगी, ठीक है। तो बहुत सारे ये कॉमेंट आता है कि मैम आप बहुत स्लो में बनाती है, कोई कमेंट करते कि आप बहुत फास्ट में बनाती है। तो देखिए फ्रेंड हर तरह से मुझे करना पड़ता है, कभी मुझे फास्ट करना पड़ता है, कभी मुझे स्लो भी बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सभी को मेरा ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो मैं इसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। तो ये देखिए सबसे लास्ट में मैं 3 चेन काउंट करूँगी और जहाँ पर 3 आएगा मैं वहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी, डिजाइन करूँगी इस फ्लावर को, क्योंकि ऐसे में आपको फ्लावर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशे था ना, तो उसके बीच से मैं सिंगल क्रोशे निकाली और फिर यहाँ पे मैं 3 चेन ले रही हूँ और सेम वहीं उसी लूप के अंदर से आपको ये देखिए इस लूप के अंदर से जहाँ से फर्स्ट टाइम आप सिंगल क्रोशे किए थे वहीं से आपको फिर से ज्वाइंट करने के लिए फिर सिंगल क्रोशे करना है। अब मैं दूसरे वाले लूप में जाऊँगी और यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे की, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। आप चाहो तो 4 चेन भी बना सकते हो, 3 चेन भी बना सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है। जैसे वो घुमा घुमा सा डिजाइन बन रहा है उसके लिए, लेकिन मैं जब बना रही थी तो ये बहुत फैला हुआ दिख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैं बाद में 3 3 चेन लेके बनाने लगी थी। यहाँ तो मैं फिलहाल 4 चेन ले रही हूँ, तो आपको जैसा अच्छा लगता है आप 4 भी लीजिएगा, 3 भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं 4 ले रही हूँ। अब यहाँ से मैं देखिए फिर से इसे फंदे को निकाली और सिंगल क्रोशे कर ली। फिर मैं देखिए दूसरे वाले में गई, दूसरे वाले में भी जाओगे तो आपको सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 3 या 4 चेन लेना है, फिर सेम ही लूप के अंदर से फिर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है। फिर दूसरे वाले लूप में जाओगे फिर वहाँ पर भी सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है,
फिर फोर्चे लेने के बाद फिर देखिए उसी ग्रुप के अंदर से फिर मैंने सिंगल क्रोशे किया और ज्वाइन किया, और इस तरह से देखिए ये डिजाइन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से देखिए डिजाइन दिखती है, तो अब कुछ लुक लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ फ्लावर का लुक दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ये ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे यानी जो लूप है वहाँ से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से जाऊँगी, ये देखिए टू टाइम की, और एंड में देखिए मैं जो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है उसके सामने वाले लूप से मैं सिंगल क्रोशे कर ली, सिंगल क्रोशे बोली मैं स्लिप स्टिच की। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए डबल क्रोशे है ना, तो इसके बीच में मैं जाऊँगी और यहाँ से सिंगल क्रोशे करूँगी, और फिर मैं यहाँ पे फोर चेन लूँगी या थ्री चेन, ये देखिए फोर चेन ली, और सेम लूप के अंदर से फिर से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। तो आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा मैं समझाना चाह रही हूँ। इसी तरह से देखिए मैं दूसरे वाले लूप में गई, वहाँ से सिंगल क्रोशे की, और फिर मैं यहाँ पे फोर चेन ली, और सेम लूप के अंदर से मैं फिर से सिंगल क्रोशे की, तब वो जो डिजाइन बन रहा है वो आपका बनता है, ठीक है, तभी वो पैटर्न दिख रहा है। अब इसी तरह से ये जो थ्री रो है उसे कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे काउंट मैं कर ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी मैं ज्यादा चेन ले लेती हूँ। ये देखिए मैं वीडियो बना रही थी, यहाँ पे मक्खी भी आ गई थी मेरे हाथ में, देखिए। तो क्या है ना, बच्चे लोग अभी मैंगो वगैरह खाते हैं, टेबल में ही मैंगो का रस को गिरा देते हैं, आप कितना भी उसे साफ करोगे तो ये मच्छी मैंगो का जो सेंट होता है ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पे देखिए मैं सेम उसी तरह से कर रही हूँ जैसे मैं फर्स्ट में आपको बताई थी। फिर से देखिए मैं स्लिप स्टिच करते हुए वो जो चेन था उसे कंप्लीट की, और जो फर्स्ट डबल क्रोशे है उसके लूप के अंदर से मैं स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइन की, और फिर सेम लूप के अंदर से दोनों के बीच से मैं सिंगल क्रोशे किए, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ये देखिए अब आपको फ्लावर का लुक दिख रहा है। तो लास्ट वाला कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो फिर से मैं देखिए चेन के अंदर से स्लिप स्टिच कर रही हूँ टू टाइम, दो बार दो चेन के अंदर से एक एक करके निकालना है, और ये देखिए लास्ट वाला जो है मैं इस लूप में इसके ऊपर में देखिए चेन होगा वहाँ पे जाके मैं उस लूप के अंदर से मैं स्लिप स्टिच करूँगी, और फिर वन चेन लेते हुए कट करूँगी, और इसी तरह से सेम आपको भी करना है। इस तरह से अब आपको जितना भी तोरण का पट्टी बनाना है या जो भी बनाना है उसके हिसाब से आप ये रेड कलर का बना लीजिएगा, या जो भी कलर आपके पास है आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पतली नीडल्स की सहायता से या इस नीडल्स की भी सहायता से मैं अंदर की ओर इस ऊन को कर लूँगी। तो ये क्या होता है ना, जब आप वॉश करोगे तो ये निकलता नहीं है और ये सेपरेट भी हो जाता है। तो ये देखिए मैं अंदर की ओर इस ऊन को कर रही हूँ। अभी यहाँ पे सीजर की सहायता से एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको बना लेना है, आपको जितना बड़ा साइज का तोरण बनाना है, तोरण पट्टी बनाना है या शॉल बनाना है। तो मैं अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं पहले ही क्रोचेट नीडल्स में हमेशा नोट लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे एक फंदा लेना है आपको, ठीक है। फंदा लेने के बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट में जो फर्स्ट रो था वहाँ पे मैं तीन तीन बना रही थी, थ्री थ्री जो डबल क्रोशे बना रही थी, तो इसका जो बीच वाला जो डबल क्रोशे है उसी के ऊपर वाले लूप को इस तरह से नीडल्स को डालना है, और ऊपर का जो टू चेन का जो स्पेस ले रही थी वो दोनों को इस तरह से नोट लगाना है सिंगल डबल क्रोशे करते हुए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये बीच में आ गया। अब यहाँ पे मैं देखिए टू चेन का स्पेस लूँगी इस दोनों के बीच में, और सेम लूप के अंदर से फिर से मैं डबल क्रोशे का फंदा को निकालूंगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लूप तैयार हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी और ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना हुआ है। तो जो बीच का है, बीच में जो 5 का जो बीच में यानी दो इधर बीच में जो आता है, मैं उसे वहीं पे नीडल्स को डालूंगी और बीचों बीच देखिए ये दोनों के बीच में मैं नीडल्स को इस तरह से निकालूंगी और फिर स्लिप स्टिच करते हुए फंदे को मैंने निकाला स्लिप करते हुए और फिर मैं देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी। ठीक है, थोड़ा घिसते हुए कीजिएगा कि ये जो ग्रीन ज़्यादा दिखे नहीं डार्क। अब यहाँ पे मैं फिर थ्री चेन ली अब ये देखिए फिर से मैं उस दोनों के बीच में नीडल्स को डालूंगी और डबल क्रोशे कर लूंगी, फिर दोनों के बीच में फिर से 2 चेन का स्पेस लूंगी और सेम लूप के अंदर से मैं फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से ये फर्स्ट रो ग्रीन का फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए पीछे से दिखा रही हूँ मैं कैसे कर रही हूँ और ये जो फ्लावर का लुक है उसे आपको ऊपर की ओर निकालना होता है। फिर मैं यहाँ पे सेम उसी तरह से 3 चेन ली और यहाँ से 2 को स्किप करना है, उधर से 2 को स्किप करना है और बीच का जो है ये जो 4 चेन का जो मैं बना रही थी लूप वहाँ पे इस तरह से इसको फंसाना है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच से मैं फिर से नीडल्स को इस तरह से डालूंगी देखिए यहाँ पे इस तरह से और फिर मैं वहाँ से फंदे को निकाली और एक नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे चेन लूंगी 3 चेन और इसी तरह से देखिए कि फ्रेंड मैं इसे भी कंप्लीट करूंगी। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको ये तोरण पट्टी बताऊंगी और बहुत ही जल्दी 1 वीक के अंदर मैं कोशिश करूंगी कि इसका जो पूरा पार्ट है तोरण का वो मैं पूरा कंप्लीट करके सेकंड पार्ट में आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए ये पूरा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और फिर से 3 चेन ले रही हूँ और मैं यहाँ पर ज्वाइंट की थी तो इसे मैं फिर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे 3 चेन बनाना है फिर उसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे जो मैं डबल क्रोशे बनाई थी ना तो उसके ऊपर में जो चेन है डबल क्रोशे के ऊपर वहीं पे मैं नीडल्स को डालूंगी और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए ग्रीन का ये फर्स्ट रो कंप्लीट है और इस तरह से आपको पीछे से देखना होगा कि इस तरह से दिखना चाहिए। और फिर मैं देखिए यहाँ पे दोनों का जो लूप बनाई थी वहाँ से मैं उस बॉक्स के अंदर से सिंगल क्रोशे की और फिर मैं यहाँ से 3 चेन लूँगी और फंदे के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन का स्पेस और सेम लूप के अंदर से फिर 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। और 3 टाइम डबल क्रोशे करने के बाद देखिए इस लूप में आपको 6 टाइम डबल क्रोशे करना है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी और जो मैं 3 3 चेन बना रही थी उस लूप के अंदर से आपको फिर से 3 3 डबल क्रोशे बनाना है। फिर से 1 चेन का बीच बीच में स्पेस लेना है और मैं दूसरे वाले लूप में चलेगी और यहाँ से भी सेम रिपीट करना है, फिर से आपको 3 डबल क्रोशे करना है। और फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो देख बॉक्स दिख रहा है भी शेप का जो बॉक्स है वहां से मैं 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो कैसे निकालूंगी ये देखिए मैं 3 टाइम डबल क्रोशे कर रही हूँ
और बीच में मैं 2 चेन का स्पेस लूँगी और सेम लूप के अंदर से फिर से 3 टाइम डबल क्रोशे को निकाल लूँगी। तो टोटल को काउंट करोगे तो ये आपका 6 डबल क्रोशे उस बॉक्स के अंदर से यानी वी शेप वाले बॉक्स के अंदर से आपको निकालना है और सेम इसी तरह से रिपीट करना है। आप तो 1 चेन लेना है और बॉक्स के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। और सेम बनेगा फ्रेंड, सेम इसी तरह से बनाना है। तो मैं देखिए दो साइड कर चुकी हूँ और दो साइड आपको फिर से करना है। तो ये देखिए वी शेप जो है वहाँ से 6 टाइम निकालना है, फिर यहाँ से 3 3 3 और बीच बीच में 1 चेन का स्पेस, और जो वी शेप का है वहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है। तो इस तरह से देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे 1 चेन पहले लूँगी और फिर 3 काउंट करूँगी, नीचे से काउंट करना है 3, जहाँ 3 आएगा वहाँ पे नीडल्स को डालना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। अब इसी तरह से फ्रेंड आपको टोटल बना लेना है, जितना बड़ा साइज का आपका तोरण सॉरी गेट का जो साइज है चौड़ाई है वो आपको नाप लेना है और उसके हिसाब से आप इस डिजाइन को आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं जो बना रही हूँ उसमें मैं 12 बनाई हूँ पीसेस। अब यहाँ पे देखिए हर तरह का मोती है मेरे पास अवेलेबल रहता है क्योंकि मैं बहुत सारा इस तरह से तोरण लगा बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे वाइट कलर का है, येलो कलर का है, और या तो छोटा छोटा जो वाइट कलर का आता है देखिए इस तरह से मोती, मैं इस तरह से इसे भी लगा सकती हूँ। तो मैं टोटल इसी को ही लगाई हूँ। तो यहाँ पर मोती को स्किप कर दी, कैसे लगाना वो आपको आइडिया ही होगा कैसे लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं इतना सारा पीसेस पहले बना ली हूँ। इस तरह से आप पीसेस पहले बना लीजिए उसके बाद इसे ज्वाइंट कीजिए तो ज़्यादा आसानी लगता है आपको। नहीं तो आप ऐसा करोगे कि एक बनाओगे फिर ज्वाइंट करोगे फिर एक बनाओगे तो इससे बोरिंग भी लगता है और फिर आपका टाइम भी लॉस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं नीडल्स का जो साइज है उसे चेंज करूँगी। तो यहाँ पर मैं 5 नंबर का नीडल्स का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं 4 नंबर का नीडल्स का यूज़ कर रही थी, अभी 5 का। अब यहाँ पे देखिए मैं पहले ही क्रोचेट नीडल्स में नोट लगा ली हूँ और जहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे बनाई थी उसके बीच में जो 2 चेन का स्पेस ले रही थी वहीं पे मैं जाके सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करी। ज्वाइंट करने के बाद मैं चेन बनाई हूँ। फिर देखिए सेम वहीं से आपको 2 और डबल क्रोशे बनाना है। बीच में मैं बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं 2 चेन का स्पेस ली हूँ और फिर से देखिए अब यहाँ पे मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ जैसे लेती थी। अगर आपका टाइट बिना हुआ था तो 2 चेन का भी स्पेस ले सकते हो। तो इस तरह से आप बना के भी देखिएगा कि टाइट हो रहा है तो 2 चेन ले लीजिएगा, अगर टाइट नहीं हो रहा है लूज बनावट है तो आप 1 चेन का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं जो लूप है 1 चेन का जो बना रही थी, 1 चेन का जो स्पेस दे रही थी सॉरी, वहीं से मैं 2 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और बीच में फिर से 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। अब यहाँ से फिर आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं पूरा बना ली हूँ। इस कॉर्नर में भी देखिए मैं सेम बनाई हूँ, 2 2 करके डबल क्रोशे की हूँ, बीच में यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ली हूँ जैसे फर्स्ट में बनाई थी। तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ। 2 और साइड बनाना है आपको। तो देखिए 1 2 3 तीन साइड में देखिए इस तरह से बना ली हूँ। फर्स्ट में देखिए मैं 2 डबल क्रोशे करके निकाली थी एक ही लूप के अंदर से, बीच में 2 चेन का स्पेस ली थी कॉर्नर में, और यहाँ पे देखिए 2 जगह और बनाई हूँ। यहाँ पे जो मैं ज्वाइंट करूँगी वहाँ पे आपको बस उस लूप के अंदर से 2 ही टाइम डबल क्रोशे निकालना है और 1 चेन बनाना है। अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है तो इस तरह से आप पहले रख लीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है, इधर का एक पार्ट को आपको खुला छोड़ना है।
तो मैं यहाँ पे वन चेन ले ली। अब इसके बाद मैं डबल क्रोशे का फंदा ले रही हूँ और ये जो बीच में टू चेन का स्पेस ली थी वहीं से मैं इसे ज्वाइंट करके सिंगल क्रोशे करूँगी। यहाँ से देखिए दूसरे वाले लूप में जाके मैं टू टाइम डबल क्रोशे निकाली और यहाँ पे वन चेन ली। और ये देखिए यहाँ पे वन वन चेन का स्पेस ली थी, यहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डाली, फिर फंदे को खींची, फिर यहाँ पे वन चेन और ले ली। अब मैं देखिए दूसरे वाले लूप में चले जाएंगे जहाँ पे वन वन चेन का स्पेस दी थी ना, वहीं से आपको फिर से टू टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट करी, फिर से डबल क्रोशे की वन चेन ली, फिर मैं देखिए यहाँ पे इस फंदे को खींचूंगी इसके अंदर से। तो ये देखिए टू टू मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर एक चेन ले रही हूँ, फंदे को बड़ा कर रही हूँ, फिर दूसरे वाले में इधर साइड में देखिए फंदे को निकाल के उसे ज्वाइंट की, फिर से मैं यहाँ पे टू डबल क्रोशे कर रही हूँ। इस तरह से इसे ज्वाइंट करना होता है। तो फर्स्ट में आपको थ्री जगह जो घुमाव होता है तो उसी तरह से तीन हिस्सा को आपको कंप्लीट करना है, एक हिस्सा को छोड़ना है। अब यहाँ पे मैं देखिए लास्ट जो कॉर्नर वाला है वहाँ पे देखिए टू चेन ली और वन चेन सॉरी टू डबल क्रोशे बनाई, वन चेन ली, फंदे को खींच ली मैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच में है यहीं पे जाके मैं फंदे को खींचूंगी और वन चेन लूँगी और फिर से मैं सेम लूप के अंदर से टू टाइम डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये देखिए ज्वाइंट हो गया। अब इधर साइड आपको सेम उसी तरह से बनाना है जैसे मैं फर्स्ट में दिखाई थी। तो वन चेन का स्पेस लेना है और जहाँ पे वन वन चेन का स्पेस ली थी ना उस लूप के अंदर से आपको टू टाइम डबल क्रोशे करना है, फिर यहाँ पे वन चेन का स्पेस लेना है और सारे लूप के अंदर से इसी तरह से आपको टू टू डबल क्रोशे करना है, बीच में वन चेन का स्पेस लेना है। और मैं फिर से बोल रही हूँ अगर सख्त बिना हुआ था तो चुनजे टू चेन का स्पेस ले लीजिएगा, दो चेन ले बना लीजिएगा। और इसी तरह से देखिए मैं यहाँ तक ज्वाइंट कर दी हूँ और एक साइड फिर से मुझे कंप्लीट करना है सेम। एक और मैं ज्वाइंट करके आपको दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ उसके बाद बताऊँगी। तो मैं बनाते बनाते भूल गई थी और मैं बनाते गई और कैमरा ऑफ हो चुका था, तो मैं सेम उसी जगह पे वहीं तक बना के फिर आपको ज्वाइंट करना बताऊँगी, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं स्किप कर दी हूँ। तो स्किप नहीं कर की हूँ फ्रेंड, वो ऑलरेडी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, वीडियो ऑफ हो गया था, तो मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा ही देती हूँ फिर से। तो ये देखिए कैसे ज्वाइंट करूँगी, पहले हमेशा इसे नीचे टेबल में रख लीजिए, फिर यहाँ पे इस तरह से देखना है। तो यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी मैं, और सेम उसी तरह से ज्वाइंट करना है। मुझे नींद आ जा रही है, मैं सो जा रही हूँ बार बार।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड, वीडियो को छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है, फिर ज्वाइंट करना होता है, फिर इस तरह से एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है, अपनी आवाज़ में फिर से आपको डब करके बताना पड़ता है, यानी बोलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि आप जब शूट करते हो ना, तो हमेशा, खासकर मेरा, मैं जब भी शूट करती हूँ तो मैं जब टाइम मिलता है तब मैं हमेशा एक दो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना, शोर शराबा भी बीच में रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इसे मुझे साइलेंट करके फिर से मुझे बोलना पड़ता है। तो मैं इस तरह से मेहनत करती हूँ, और इसके बाद भी बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मैम आपने ख़राब बनाया, बहुत सारा कमेंट। तो मैं माइंड तो नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा दर्द होता है, तकलीफ होता है मुझे। और जब बहुत लोग बहुत अच्छे भी हैं जो कमेंट करके बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बातें करते हैं। मैं अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी, मेरे घर में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। अब उसके बाद से अब मैं आज वीडियो को डाल रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे डालना भी पड़ता है, नहीं तो रिस्पॉन्स बहुत ख़राब होने लगता है। बहुत सारे व्यूवर्स जाने लगते हैं मैं चैनल को छोड़ छोड़ के, तो मुझे नहीं लगता है कि, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड बने हैं प्लीज़ इसी तरह से बने रहे। तो ये देखिए, मैं इस तरह से ज्वाइन कर रही थी, और रात के समय कभी शूट करती, कभी दिन में शूट करती हूँ, तो क्या होता है ना, थोड़ा थकावट में मुझे नींद भी आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से जितना लंबा आपको बनाना है आप इसी तरह से ज्वाइंट करते जाइए और बनाते जाइए। अगर शॉल बनाना चाहते हो तो शॉल भी बना सकते हो, टेबल कवर बनाना चाहते हो तो सब कुछ बना सकते हो आप इससे, मल्टीपर्पज़ इसका यूज कर सकते हो, स्वेटर भी बना सकते हो, बैग वगैरह भी बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो इससे, ठीक है। तो मैं देखिए इस साइड भी सेम जो उस साइड में बना रही थी, इसी तरह से मैं इस साइड में भी पूरा करूँगी। तो मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 3 चेन का स्पेस, या 2 चेन का भी स्पेस ले सकते हो। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया निकाली, और यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूँगी। और यहाँ से फिर मैं 2 डबल क्रोशिया निकालूँगी, फिर 1 चेन का स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए मैं सेम उसी तरह से सेम कर रही हूँ, सारे लूप के अंदर से 2-2 डबल क्रोशिया कर रही हूँ, बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से देखिए मैं यहाँ से भी निकालूंगी, तो यहाँ पे 2 चेन लूंगी। और यहाँ पे आप सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो इस तरह से। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके मैं ज्वाइन कर दी, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ, और अब यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाई, और जो लूप है बीच का कॉर्नर का लूप है वहीं पे जाके मैं डबल क्रोशिया फिर बना ली। इस तरह से ज्वाइन करना है इसे, और थोड़ा खींच लीजिएगा। तो इसी तरह से मैं पूरा बनाऊंगी इस साइड भी, क्योंकि मैं तोरण पट्टी बना रही हूँ, तो दोनों साइड से बॉर्डर रहना जरूरी है। तो यहाँ पे सेम ही बनेगा, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये देखिए इस कॉर्नर में जो ज्वाइन करते समय मैं चेन ली थी, तो सेम यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। कॉर्नर में जाके इसका जो लूप है वहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया कर रही हूँ, और 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, और इसके बीचों बीच मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ।
और फिर से मैं थ्री चेन ले रही हूँ। फिर इस दोनों के बीच में यहाँ से मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। अब मुझे लग रहा कि शायद दो दो बार मैं रिपीट कर दी हूँ क्या, क्योंकि वही चीज़ को मैं बार बार देख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं ज्वाइंट करूँगी, तो पूरा ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। सॉरी, उधर साइड का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है, तो मैं वीडियो में दिखा दिखा के आपको नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इस थोड़ा स्किप कर दूँगी। और ये देखिए मैं पूरा स्किप करके इसे कम्प्लीट कर चुकी हूँ, इस बॉर्डर को, इस साइड भी। और यहाँ पे फ्रेंड मैं मोती लगाऊंगी। फिलहाल मैं मोती अभी नहीं अटैच की हूँ, वो मैं स्टिच कर दूंगी, तो इसे मैं स्किप कर दूंगी, क्योंकि आप भी आराम से स्टिच कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट में मैं देखिए डबल क्रोशे बनाई, फिर वन चेन ली और यहाँ पर मैं थ्री काउंट करूँगी। और तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दी, जैसे ये हमेशा ज्वाइंट करती हूँ। अब यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशे करूँगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टू चेन लेना है। फर्स्ट में जहाँ पे ज्वाइंट करोगे वहीं से, फिर दूसरे वाले लूप में देखिए गई और हाफ डबल क्रोशे कर दी। ठीक है, अब ये कॉर्नर है, यहाँ पे आपको 5 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाल लेना है, क्योंकि कॉर्नर के लिए आपको इतना हाफ डबल क्रोशे को कम्प्लीट करना होता है। अब ये देखिए मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और ये बहुत स्लो में बता रही हूँ कि आराम से आपको समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए जो टू डबल क्रोशे बनाई थी ना, तो उसमें से मैं एक से हाफ डबल क्रोशे करूँगी, क्योंकि आप सारे चेन के अंदर से करोगे तो बहुत फैला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे आपको फैलाने बनाना है, एक्यूरेट बनाना है। तो यहाँ से देखिए अब ये जो टू चेन का स्पेस, वन चेन का स्पेस ली थी, वहाँ से मैं टू हाफ डबल क्रोशे निकाली हूँ। फिर ये देखिए यहाँ से एक निकालूंगी, जबकि दो डबल क्रोशे है लेकिन एक निकालूंगी। और यहाँ पे वन चेन जहाँ पे है वहाँ पे आपको 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे को निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से ये टोटल को करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से मैं ऐसी तरह से निकाल रही हूँ, फिर यहाँ से भी हाफ डबल क्रोशे की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो बीच का जो कॉर्नर था, यानी कि जो डिजाइन बना रही थी जहाँ पे ज्वाइंट कर रही थी, तो यहाँ से देखिए मैं इस कॉर्नर में देखिए 5 टाइम फिर से हाफ डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। तो ये देखिए मैं सारे जगह से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। और मैं बताना ही भूल गई कि यहाँ पे जो डबल कॉर्नर का जो डबल क्रोशे, यानी 4 डबल क्रोशे जो बनाते हो ना आप, बनाए हूँ मैं, तो वहीं वहाँ पे आपको 3 3 डबल क्रोशे लेना है, या 2 भी ले सकते हो। यहाँ से भी मैं हाफ डबल क्रोशे निकाली, और जहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली थी वहाँ पे आपको 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे को निकालना है। और इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगी इसे, क्योंकि बस हाफ डबल क्रोशे ही निकालना है, तो ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये देखिए पूरा मैं कंप्लीट
करना चाह रही थी, लेकिन मैं सोची कि ये जो बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे किस तरह से हाफ डबल क्रोशे को निकालना है। तो ये देखिए फंदा को मैं ली और जहाँ पे स्पेस था चेन का वहीं पे जाके आप हाफ डबल क्रोशे निकाल सकते हो, या तो आप यहाँ से टू टू डबल क्रोशे भी निकाल सकते हो। ये देखिए कॉर्नर में मैं डबल क्रोशे भी कर सकती हूँ और हाफ डबल क्रोशे भी, जैसा आपको बनावट है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। तो जरूरी है कि आप यहाँ पे डबल क्रोशे ही कीजिए। तो ये देखिए मैं यहाँ से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। सेम इसी तरह से दोनों साइड में आपको इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है, ठीक है।